नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए गए हैं। इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ इमरान खान के पास ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका है। तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट के जज ने पूर्व PM इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इस आदेश के बाद इमरान खान को लाहौर के जमान पार्क वाले घर से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। 3 साल की सजा होने के बाद इमरान खान 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी हो गए हैं। इमरान खान पर 2018 से 2022 के दौरान प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग कर सरकारी उपहारों को खरीदने और बेचने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत केंद्र सरकार के विभागों में स्टेनोग्राफर Grade C और D के पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 23 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अक्टूबर में सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगी। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं पास होना जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जो ऑनलाइन कंप्यूटर मोड पर आयोजित होगा। इसके बाद स्किल टेस्ट देना होगा, जिसके मेरिट के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। इससे पहले उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। धौलपुर जिले के विशेष पोक्सो कोर्ट ने 8 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के मामले में दोषी करार देते हुए उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि बाड़ी थाने में परिवादी ने 3 मई 2021 को दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 3 मई को उसकी 8 वर्षीय नाबालिग पुत्री अन्य लड़कियों के साथ खेत पर जा रही थी, तभी रास्ते में एक युवक नाबालिग को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। साथ ही लड़कियों ने इसकी सूचना नाबालिग के परिजनों को दी। परिजनों ने नाबालिग को तलाश किया तो एक झोंपड़ी में उसके चीखने की आवाज आ रही थी। परिजन झोंपड़ी में पहुंचे तो नाबालिग नग्न अवस्था में मिली। आरोपी बनवारी भागा तो उसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बनवारी को कोर्ट में पेश किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की पूरक परीक्षाएं पूरी हो गई हैं। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द जारी करेगा। इसके लिए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू करवाया गया है। पूरक परीक्षा के दूसरे दिन भी अजमेर के 2 परीक्षा केंद्रों सहित प्रदेश के 203 केंद्रों पर 10वीं व 12वीं के पेपर हुए। विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र 1 से 2 ही होने के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए काफी दूर पहुंचना पड़ा। अधिकांश परीक्षार्थियों को लाने व ले जाने के लिए अभिभावकों को खुद का आना पड़ा। उत्तर पुस्तिकाओं को बोर्ड के राजीव गांधी सभागार के पार्किंग में सुरक्षित रखवाया गया है। सुरक्षा के लिए गार्ड भी लगाए गए हैं। अब यहां से उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए भेजा जा रहा है। बोर्ड ने एक टीम नाइट वर्क के लिए लगाई है। दौसा जिले से गुजर रहे जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर बीती रात सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। हादसा मानपुर थाना क्षेत्र में खैरला गांव के पास उस वक्त हुआ जब हाईवे पर अचानक आए गौवंश से तेज स्पीड बाइक टकरा गई। इससे बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रही मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बाइक सवार युवक प्रीतम सैनी व राजेश सैनी निवासी खैरली अलवर जयपुर से अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान खैरला गांव के पास हुए हादसे में 25 वर्षीय राजेश सैनी की मौत हो गई। वहीं सड़क पर गिरे दोनों युवकों को बचाने के चक्कर में बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मानपुर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सीकर जिले में CRPF में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामला दांता रामगढ़ थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता 34 वर्षीय राजेश बुरानिया निवासी ढींगपुर खाटू श्याम जी ने बताया कि वह जयपुर निवासी रामफूल को काफी लंबे समय से जानता है। एक दिन रामफूल ने उसके घर आकर कहा कि उसकी CRPF के बड़े अफसरों से जानकारी है, वह उसे CRPF में नौकरी लगवा देगा, जिसके लिए उसे 1,57,000 रुपये देने होंगे।
पीड़ित आरोपी रामफूल के झांसे में आ गया और उसे 1,57,000 रुपये कैश दे दिए। आरोपी ने राजेश से रुपए लेने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए और कहा कि जल्द ही उसे CRPF में नौकरी मिल जाएगी। काफी समय तक नौकरी लगाने के झांसे देता रहा। तंग आकर पीड़ित ने रुपए वापस मांगे तो आरोपी रामफूल ने रुपए लौटाने से मना कर दिया। दांतारामगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा जिले में बगैर लाइसेंस के बोरेक्स ग्लिसरीन का औषधीय विक्रय विनिर्माण के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी इंदौर के फर्म मैसर्स अर्थ फार्मा की मालकिन कंचन भारंबे को 3 साल के कारावास वे 1,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी शेखर भारंबे फर्म मैसर्स मेडिकेयर एजेंसी इंदौर के मालिक व कैंपिटेंट व्यक्ति वामिका मुस्तफा, फर्म मैसर्स MP फार्मा इंदौर के मालिक महेश पाटीदार, फर्म मैसर्स नरेश मेडिकल्स लाडपुरा कोटा के कैंपिटेंट व्यक्ति राजेंद्र सिंह नथावत को दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने फैसले में लिखा कि उक्त औषधि मानकों पर खरी नहीं उतरी, यह कृत्य मानव जीवन एवं स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाला था। तत्कालीन सहायक औषधि नियंत्रक देवकृष्ण श्रृंगी ने नेतृत्व में औषधि नियंत्रण अधिकारी सुनील मित्तल ने लाडपुरा में नरेश मेडिकल से बोरेक्स ग्लिसरीन का नमूना लेकर लैब भेजा था। रिपोर्ट से ग्लिसरीन को अमानक बताने पर केस दायर किया था। टोंक जिले की निवाई पुलिस ने धोखाधड़ी कर लोगों से रुपए हड़पने वाले KBCL कंपनी व कल्पतरु कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस उप अधीक्षक संदीप सारस्वत ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 जनवरी 2018 को 47 वर्षीय सतीश कुमार बारेठ निवासी वार्ड नंबर 1 जमात निवाई ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि 2011 मई जून में कमलेश कवरिया सुरेंद्र कवरिया निवासी वार्ड नंबर 3 डबलेश पिपलीवाल जयपुर में मेरे घर आए और KBCL कंपनी में कार्य करने के लिए कहा। बताया कि लोगों को मूलधन पर अच्छा ब्याज देती है, आपको अच्छा कमीशन मिलेगा, विश्वास करके मैंने अपने जानकार लोगों को जोड़कर रुपए लेकर जमा करवा दिए। समय समाप्त होने के बाद भी लोगों को कंपनी द्वारा रुपए नहीं दिए गए और ना ही मुझे कोई जवाब दिया। मैंने अपने परिचित 50 लोगों के 10 से 11 लाख रुपए जमा करवा दिए। पुलिस ने जवाहर सिंह राजपूत निवासी 14 चंदनवन मथुरा UP और 44 वर्षीय विश्वनाथ प्रताप सिंह निवासी मथुरा UP को गिरफ्तार किया है। अलवर पुलिस ने NEB थाना इलाके में मजदूरी करने वाले अपने माता पिता के साथ रहने वाली दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म कर उन्हें गर्भवती करने वाले मुख्य आरोपी 40 वर्षीय सप्पी दीवान को हरियाणा के फिरोजपुर में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी सुभान खान निवासी कैमाला अभी फरार है। SP आनंद शर्मा ने बताया कि नाबालिग बहनों से दुष्कर्म करने और उनका अश्लील वीडियो बनाकर उसे और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देने वाले मुख्य आरोपी सप्पी दीवान व सुभान खान की तलाश के लिए CTCO नारायण सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। सूचना पर मुख्य आरोपी सप्पी दीवान को हरियाणा के फिरोजपुर से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पीड़िता नाबालिग बहनों के पिता ने 29 जुलाई को इस संबंध में मामला दर्ज करवाया था। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। उधर हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। महेश शर्मा निवासी बड़े हमोरी गांव ने बताया कि उसके बड़े भाई 64 वर्षीय रामकुमार शर्मा और छोटे भाई राजेश शर्मा बाइक से गांव लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में जटोली मोड़ के पास उसका छोटा भाई राजेश बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुका और भाई रामकुमार शर्मा सड़क के किनारे खड़े थे। इस दौरान राजाखेड़ा की ओर से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। वही पुलिस ने बताया कि ट्रक के नंबर मिलने के बाद उसकी तलाश की जा रही है।